हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों से बात शेयर करने जा रही हूँ जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो उनके लिए तो स्पेशली है क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी और के साथ ऐसा हो, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मीशो से कुछ ऑर्डर किए हैं तो कल मेरे पास एक कॉल आता है और वो कहता है कि आपका ऑर्डर आ गया है और ये है 1100 कुछ रुपए का आपका ऑर्डर है और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको मिलेगा ये 1000 का। तो मैंने कहा इतनी जल्दी ऑर्डर कैसे आ गया, तो बोला कि वो कुछ COD चेंज हो गई है, इसकी वजह से आपका ऑर्डर डिलीवरी फास्ट की है और आपका ऑर्डर आ गया है। तो आप अगर आप पेटीएम या गूगल पे चलाती हो तो आपका व्हाट्सअप नंबर है, तो मैंने कहा व्हाट्सअप नंबर बोला इस नंबर पे व्हाट्सअप नंबर है, मैंने कहा नहीं इस नंबर पे कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है। तो बोलता है कि आपका कोई दूसरा व्हाट्सअप नंबर है, मैंने कहा क्यों, कि वो आप जैसे ही वहाँ से पेमेंट करेंगी 1000 रुपये का आपको 6 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो आप 1000 रुपये का जैसे ही पेमेंट करेंगी आपका 30 से 40 मिनट के अंदर आपका पार्सल आपके घर पहुंच जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा है, मैं पेमेंट तभी करूंगी जब मुझे पार्सल रिसीव होगा। तो बोला कि तो फिर आपका पार्सल वापस हो जाएगा, तो मैंने कहा नो प्रॉब्लम हो जाए, मैं पेमेंट तभी करूंगी। जैसे ही मैंने इतना बोला उसने फोन कट कर दिया और मैंने उससे ये भी पूछा, मैंने कहा भैया अभी मीशो से मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है डिलीवरी का, कुछ भी नहीं, कि वो बता तो रहा हूँ वो आपको कोई COD चेंज हुई है इस वजह से मैसेज नहीं आया। मैंने कहा ओके। फिर जब बाद में फोन कट हो गया उसके बाद मैंने अपना मीशो चेक किया तो मेरा जो कोरियर है वो अभी सूरत में दिखा रहा, अब वो बोल रहा है कि आपको आधा घंटे में डिलीवरी कर देंगे। तो फ्रेंड्स बताइए कि जो कोरियर सूरत में है वो आधा घंटे में आपके यहाँ कैसे डिलीवर हो सकता है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये फेक कॉल थी। इस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, 100-200 रुपए का आपको लालच देते हैं और उस लालच में बहुत सारे भाई बहन फंस जाते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की फेक कॉल आए तो उसको इग्नोर करें, कभी भी कोई लिंक ना दें, कोई व्हाट्सएप नंबर ना दें और कोई भी लिंक पे कभी क्लिक ना करें। तो बस मैं इसीलिए आप लोगों से शेयर किया है कि बहुत कई बार हुआ है कि बहुत से लोग धोखा खा चुके हैं, तो प्लीज आप लोग भी सावधान रहें, शॉपिंग जरूर करें, मैं भी करती हूँ पर सावधानी से। थैंक यू।